नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर 2014। दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो किसी ना किसी एडिक्शन से, किसी ना किसी नशे से परेशान रहते हैं, और ये उनके शुभ चिंतक के लिए भी वीडियो है जो अपने साथियों का, अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों का वो नशा छुड़वाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जिसको पूरे दिन में अगर आपने 3 बार बोल लिया तो उस इंसान का नशा अगले 7 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो भी इस चैनल पे नया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक कमेंट जरूर बताना 7 दिन बाद कि आपका वो नशा छूटा है या नहीं, या जिस इंसान का आप नशा छुड़वाना चाहते हो वो छूटा है या नहीं। सो दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं उनको बता दूं, ये चैनल शिलायुग पॉजिटिव एक मोटिवेशन वीडियो पे काम करता है, इंस्पायरिंग स्टोरीज पे काम करता है जो कि रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक दोनों होती है, और साथ ही साथ फैक्ट्स के ऊपर काम करता है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा उस मंत्र पे आना चाहूंगा। इस मंत्र को बोलने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको समझाऊंगा जिस किस तरीके से इस कहानी के अंदर इस मंत्र का यूज हुआ है, आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा ताकि आपको ये मंत्र किस तरीके से करना है, कैसे करना है, आपको दिक्कत ना हो। सो दोस्तों, एक बार की बात है, एक इंसान बहुत ही ज्यादा मेहनती था। वो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करता था। शुरू के 5 साल 10 साल उसने बहुत मेहनत करी और करते करते उसने एक छोटा सा बिजनेस खड़ा कर दिया अपने उस एरिया में, और वो बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा कि उसकी एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें वो, उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे। वो उनका घर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और बहुत बढ़िया चल रहा था, और वो इंसान भी अपने इस बिजनेस से, अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा खुश था। अब जब इंसान की लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन लेवल कंप्लीट हो जाता है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेकंड लेवल पे पहुंचता है, तो उसने सोचा कि चलो इस बिजनेस को कहीं दूसरी जगह भी एक्सपैंड किया जाए। मतलब आज इस शहर में है तो कल दूसरे शहर में भी अपना ये बिजनेस होना चाहिए ताकि सभी लोगों को फायदा मिल सके और मुझे प्रॉफिट। सो इसी सोच को रखते हुए उसने अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ डिस्कशन किया कि हमारा ये बिजनेस यहाँ चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे कोई एक हेल्पर या मैनेजर रख दूं जो कि इस बिजनेस को संभाल सके, तो मैं दूसरी जगह जा करके वहां पे अपना ये बिजनेस स्टेबल कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ समय लगा, आपस में मतभेद हुआ कि आप बाहर चले जाओगे तो हमें कौन देखेगा इस तरीके से, तो कुछ सेटलमेंट बैठा, तो कंक्लूजन ये निकला कि वो बाहर जा सकता है और इसको किस तरीके से करना है उस आदमी ने पूरा प्लानिंग बना ली। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब वो दूसरे शहर में जाता है तो शुरू में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी। जैसे यहाँ पे उसने शुरू से स्टार्ट किया था वैसे ही वहां पे उसने स्टार्ट किया। अपने कुछ एग्जाम्पल्स उसने दिखाए इस शहर वाले उस शहर में ताकि वो भी इस चीज को समझ सके कि ये काम किस तरीके से होता है, कैसे किया जाता है। तो धीरे धीरे करते करते 1 साल निकल गया और वो बिजनेस सेटअप होना स्टार्ट हो गया। अब दोनों ही शहरों में उसका बिजनेस चलने लगा। अब जब दोनों शहरों में उसका बिजनेस चलने लगा तो उसके पास पैसा भी काफी अच्छा आने लगा, और वो हर महीने में 4 बार अपने घर पे आता और वापस वहां पे बिजनेस संभालने के लिए चला जाता। तो ये करते करते उसके बड़े कॉर्पोरेट फ्रेंड बन गए और उसके बड़े दोस्तों के साथ उठना बैठना स्टार्ट हो गया, पार्टी करना स्टार्ट हो गया। और कुछ दोस्तों ने उसको पार्टी में, जब वो पहली या दूसरी बार गया, तो उसको फोर्स किया कि तुम्हें भी थोड़ी ड्रिंक करनी चाहिए, तुम पूरा महीना पूरा दिन अपने काम में लगे रहते हो, एक दिन तुम्हें भी अपनी एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए। तो पहली बार कन्विंस किया तो उसने मना कर दिया, दूसरी बार कन्विंस किया तो उसने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो उसने एक बार ट्राई किया। फिर दूसरी बार जब नेक्स्ट टाइम उसने दोबारा किया तो उन्होंने फिर मना कर दिया। अब जब उसने ये बात सोची अपने मन में तो उसको लगा कि यार जब मैं पूरा दिन मेहनत करता रहता हूं तो थोड़ा सा समय मुझे अपनी एंजॉयमेंट के लिए भी देना चाहिए, जो कि मेरे लिए अच्छा है, मेरी लाइफ के लिए अच्छा है और मेरी अगली ग्रोथ के लिए अच्छा है। कल को मैं इनको ये मना करता हूं तो हो सकता है कि इनके साथ मेरा उठना बैठना खत्म हो जाए। तो ऐसा करते करते उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दी। अब वो फैमिली में जब, जैसे महीने में 4 बार आता था तो महीने में उसने 3 बार कर दिया, एक वीक उसने अपना वही एंजॉयमेंट करने का प्लान कर लिया। फिर उसने वो 2 बार कर दिया, फिर दो दो
दो बार करने के बाद उसने एक बार कर दिया, और एक बार तो ऐसा हुआ कि पूरे महीने वो घर ही नहीं गया, तो उसकी फैमिली को कहीं ना कहीं ये लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जिस दिन उसकी छुट्टी होती तो उस समय ही उसकी वाइफ उसको फोन करती, तो उसकी आवाज में कुछ लड़खड़ापन दिखाई देती जिसमें उसका दारू का नशा चढ़ा होता। तो उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा करती, उसे लड़ने लगती, और एक बार उसकी वाइफ ने अपनी फैमिली के साथ प्लान किया कि इनके घर चलते हैं, देखते क्या है। तो वहां देखते हैं कि वो इंसान पूरे नशे में था, छुट्टी वाले दिन सुबह से उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दी। अब करते करते हुआ क्या कि उसकी वाइफ ने अच्छे तरीके समझाया और उसने सारी चीजों को हैंडल करने की कोशिश करी। अब क्या हुआ कि वो एक दिन की छुट्टी में जो नशा करता था उसने मंडे को भी स्टार्ट कर दिया, हफ्ते में 3 दिन कर दिया। तो ऐसे करते करते वो दारू के नशे में फंसता चला गया। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसका बिजनेस जो नए शहर में उसने स्टार्ट किया था वो धीरे धीरे करते करते कम हो गया, और जो पुराना शहर में उसका बिजनेस था वो भी कम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती नहीं, फॉलोअप रहते नहीं, क्योंकि मंडे ट्यूजडे में अगर वो सुबह के टाइम ही ड्रिंक कर लेगा तो वो बात किस तरीके से करेगा। तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा मतलब लोअर बैकवर्ड पे आ गया। अब उसने क्या किया कि उसकी वाइफ ने बोला कि तुम वापस यहाँ पे आओ, तो वहां पे अपना बिजनेस बंद कर कुरा के वो अपने शहर में आ गया, और यहाँ पे उसका बिजनेस जो है बंद होने की कगार पे चला गया। तो अब हुआ क्या कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो उसकी वाइफ की फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि उनको बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते हैं, इनके पास लेके जाना चाहिए। तो और वो इंसान जिसको घाटा हो रहा था, जो नशे में था, वो भी चाहता था कि कहीं कैसे ना कैसे करके मेरे से छूट जाए। तो उनसे जब उसको मिलाया तो उस इंसान ने बोला कि मैं बाबा बहुत कोशिश कर रहा हूँ उस दारू के नशे को छोड़ने की, लेकिन मैं खुद ही नहीं छोड़ पाता हूँ, क्योंकि जब सुबह उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक बस एक पैग पी लूंगा तो मेरा दिन बढ़िया हो जाएगा। तो बौद्ध ने बहुत समझदारी से, थोड़ी सी मैं आपको बौद्ध के बारे में बता दूँ, जो बौद्ध भिक्षु थे उनका उस शहर में इतना अच्छा हिसाब किताब था कि जो भी इंसान उनके पास जाता उसकी प्रॉब्लम को बहुत गहन तरीके से सोचने के बाद वो उसको सॉल्यूशन देते और उसको उपाय देते, वो उपाय होता और उसके बाद उसको उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाता। अब ये चीज उन्होंने देखा कि इस इंसान को परेशानी, इसने अपनी सारी बात बता दी। उन्होंने सब चीज सोचने के बाद उसको बोला कि आप कल सुबह 7 बजे आइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। तो जब वो अगले दिन 7 बजे जाते हैं तो वो बौद्ध जो है एक पेड़ के पास पेड़ को पकड़ के खड़े होते, और खड़े होने के बाद वो उस जो शराब में रहता है इंसान उसको बोलते हैं कि आप कल आना, अभी मैं कल बताऊंगा। तो अब उसके बाद अगले दिन फिर आते, ऐसे करते करते 2-3 दिन निकल गए। जब चौथे दिन दोबारा उस हस्बैंड वाइफ आते तो वो बोलते कि गुरुजी आप हमें सॉल्यूशन बता दीजिए, हम परेशान हैं वैसे। तो गुरुजी बोलते कि यार मुझे पेड़ ने पकड़ रखा है, मैं क्या करूं, तो मैं जब तक यहाँ से छूटूंगा नहीं तब तक मैं तुम्हें उपाय नहीं बता पाऊंगा, कल सुबह आना, कल सुबह क्या पता ये पेड़ मुझे छोड़ दे। तो वो बात उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगी, वो सोचने लगे कि कोई पेड़ कैसे पकड़ सकता है। जब वो अगले जब घर जाते हैं तो वो हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते हैं कि मैं वैसे ही परेशान हूँ, और बौद्ध को जो बौद्ध भिक्षु उनको इन्होंने पेड़ ने पकड़ रखा है, कैसे पकड़ सकता है। तो अगले दिन सुबह 7 बजे जब गए तो दोबारा भिक्षु ने यही बोला कि मुझे इस पेड़ ने पकड़ रखा है, जैसे ही ये पेड़ मुझे छोड़ेगा तो मैं तुझे उपाय दे दूंगा। तो वो इंसान जो कि शराबी था वो उनको हंसते हुए बोलता है कि कोई पेड़ कैसे पकड़ सकता है। अब उस भिक्षु ने बहुत सीरियस वे में एक बात बोली कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम एक सही इंसान हो, तुम में समझ है, सोच है, तो तुम्हें कैसे कोई नशा पकड़ सकता है। अब ये बात सुनते साथ ही वो जो शराबी होता है बात को उसके दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ यार ये कैसे पॉसिबल है कि कोई एक नशा मुझे कैसे पकड़ सकता है। तो इस तरीके से बौद्ध भिक्षु ने उनको बोला कि आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपको कोई भी नशा कैसे पकड़ सकता है, चाहे वो कोई भी नशा हो, दारू का नशा हो या फिर किसी ड्रग का नशा हो या किसी गेम का नशा हो या जुए का नशा हो, वो कैसे पकड़ सकता है। आप जब तक खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक कोई भी चीज आपको नहीं पकड़ सकती। हो सकता है कि शुरू में आपको दिक्कत हो, किसी चीज में आप इन्वॉल्व हो जाओ, तो आपको पूरे दिन में ये 3 मंत्र बोलने हैं, मतलब 1 मंत्र बोलना है 3 बार,
कि मैं इंसान हूं, मैं इतना बेकार नहीं हूं कि कोई भी नशा मुझे पकड़ ले। तो ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि हमेशा पूरे दिन में जो इंसान इससे ग्रस्त है, जो इंसान इससे परेशान है, उसको सिर्फ एक ही चीज अपने मन में सोचनी है या बोलनी है कि मैं इंसान हूं, मुझे कोई अपने कब्जे में नहीं कर सकता जब तक मैं गलत नहीं हूं। तो ये बात सुन के उस इंसान को बहुत खुशी हुई कि यार ये तो सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे। तो ये बात सोच करके वो बहुत खुश हुआ और उसके अगले 7 दिन के अंदर इसी सोच को रखते हुए शराब का नशा छूट गया। सो दोस्तों, इस कहानी को यही कंक्लूड करते हैं और आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि 2024 का जनवरी का पहला दिन है, कोई भी नशे में आप इंसान हो, कोई भी किसी भी परेशानी में हो, आप उसको छोड़ सकते हैं। सिर्फ आपको अपने मन में एक लाइन बोलनी है हर बार कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं नशा छोड़ सकता हूं, मैं पढ़ाई कर सकता हूं, मैं एम अपना कंप्लीट कर सकता हूं, मैं एक बहुत अच्छा यूट्यूबर बन सकता हूं, मैं एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूं। तो आपको पूरे दिन में ऐसे 3 बार चीजें बोलनी है कि मैं कर सकता हूं, ये मेरे से हो सकता है। तो आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, 7 दिन ये करके देख लीजिए, 8वें दिन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना ही होगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही चीज होती है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप कोई चीज पॉजिटिव करना चाहो अपनी लाइफ में तो वो पॉसिबल है, हर हाल में पॉसिबल है। सो दोस्तों, इस कहानी को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल शाम 7 बजे फिर से एक नई वीडियो के साथ।